Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the indirect taxes subject of GST, and we are going to discuss about composition levy under section 10. So this video will be helpful for all BCom students, BAF students, BBI, BMS, MCom, sabhi students ke liye video helpful hone wala hai, to video ko last tak dekhe. Aur GST se related jo composition scheme hai uske aapke sare doubts is video se clear हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर हम जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो कॉम्पोजिशन स्कीम तो है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर ये सब कवर हुआ है. और अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के बारे में, तो बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ लिमिट है और वो लिमिट हमें ध्यान में रखनी है. तो रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग an aggregate turnover as defined under section 2 subsection 6 of the act not exceeding the prescribed limit in the preceding financial year will be eligible to opt for payment of tax under the composition scheme. So, dekho, basically composition scheme mein aapko rules yaad rakhne hai. Agar hum rules ki baat kare to composition scheme kafi important ban jata hai. Aur ye jo rules hai wo rules agar aap properly yaad rakhoge तो आपको इस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा. तो अगर हम रूल्स की बात करें तो आपको रूल्स याद रखने हैं. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट है 75 लाख, एंड जो अदर स्टेट्स है उनके लिए लिमिट है 1.5 करोड़. तो स्मॉल ट्रेडर्स जो होंगे, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होती है. और ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनको कॉम्पोजिशन स्कीम कब अप्लाई होगी उसके लिए ये लिमिट्स बनाए हुए हैं. तो लेट अस स्टडी द लिमिट्स फर्स्ट. अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट है 75 लाख. तो 75 लाख से लिमिट किसको अप्लाई होगा? 75 लाख का लिमिट जो अप्लाई होगा उनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, एंड दे आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड. तो इतने सारे जो स्टेट्स है उसके लिए लिमिट 75 लाख है. इसके लिए मैंने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, दैट इज आंट्स एमएम. ए रेफर्स टू अरुणाचल प्रदेश, यू रेफर्स टू उत्तराखंड, एन रेफर्स टू नागालैंड, टी रेफर्स टू त्रिपुरा, एंड एस रेफर्स टू सिक्किम, एम रेफर्स टू मेघालय, एंड एम रेफर्स टू मिजोरम. तो बेसिकली ये अगर सारे स्टेट्स है तो ये सारे स्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रेडर, जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है, वो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहता है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 75 लाख है. मतलब उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 75 लाख से कम होना चाहिए. अगर उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 75 लाख से कम रहा तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम उसे अप्लाई हो जाएगी. बट अगर उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 75 लाख से ऊपर रहा तो उसे कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी. तो दिस रूल इज अप्लाइंग फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. अभी हम कुछ दूसरे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनको छोड़ के अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो 1.5 करोड़ का क्राइटेरिया रखा गया है. तो 1.5 करोड़ से कम होगा सो कॉम्पोजिशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल, एंड 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल. बट देर आर सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट्स ऑल्सो सच एज आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. इनके लिए भी यही लिमिट अप्लाई होगा 1.5 करोड़ का. इनके लिए वो 75 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा. तो हम अगर इससे कंक्लूजन ड्रॉ करें तो आपको याद रखना है 75 लाख की लिमिट होगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, एंड 1.5 करोड़ की लिमिट होगी अदर स्टेट्स के लिए. जो अदर स्टेट्स है उनके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट होने वाली है. सो दीज आर द रेट्स ऑफ टैक्सेस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे काफी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, बिकॉज रेट्स ऑफ टैक्सेस कभी कभी पेपर में दिए नहीं जाएंगे. सो इफ देर इज अ मैन्युफैक्चरर डीलिंग इन दिस पार्ट, द मैन्युफैक्चरर विल बी
टैक्स एज पर 1% तो 0.5% विल बी सीजीएसटी एंड 0.5% विल बी एसजीएसटी। अगर रेस्टोरेंट्स है, सर्विसेस, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेस होंगे तो उसके लिए 5% का रेट रखा है, इक्वल इक्वल दोनों में डिवाइड करना है आपको 2.5% 2.5%। एनी अदर एलिजिबल सप्लायर अगर रहेगा तो 1% का रेट है, उसमें 0.5% 0.5%। सप्लायर ऑफ ओनली सर्विसेज और मिक्स सप्लाईज होगा तो 6%। तो ये रेट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज पेपर में अगर रेट दिया नहीं गया तो आपको ये रेट ध्यान में रख के फिर सॉल्व करना है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, तो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लाया है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एंड सजेस्ट वेदर कॉम्पोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल। तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज अमर हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ही रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इतना देखने के बाद तुरंत आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इसको 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी। अगर इसके पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का टोटल जो है 1.5 करोड़ से नीचे आया तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होगा, और अगर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया तो उसको कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगा। वाइल सॉल्विंग वी हैव टू रिमेम्बर, हम सारे के सारे सेल्स जो रहेंगे हम सेल्स को कंसिडर करेंगे, हम परचेजेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो परचेजेस जो है उसे हमें नहीं लेना है। और एक पॉइंट आता है इनवर्ड सप्लाईज, यहाँ पे दिया हुआ है इनवर्ड सप्लाईज, तो इनवर्ड सप्लाईज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है, जैसे इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स ये आपको कंसिडर करना है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये भी आपको कंसिडर करना है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये भी लेना है, और इनवर्ड सप्लाईज आपको नहीं लेना है। अभी इसको हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इट्स 15 लाख्स, देन द सेकंड इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज 30 लाख्स, देन द नेक्स्ट इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज 15 लाख्स, और इनवर्ड सप्लाई आपको लिख के अमाउंट को डैश देना है। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वो नॉन टैक्सेबल कंसिडर किया गया है। अगर हम सभी को ऐड करें तो हमें वैल्यू मिला 60 लाख्स, और हमने देखा था कि ही वॉज अ मैन्युफैक्चरर, तो मैंने अब तक आपको टैक्स रेट्स बताए। मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्स रेट क्या है 1%, तो 0.5% विल बी द सीजीएसटी एंड 0.5% विल बी द एसजीएसटी एंड अकॉर्डिंगली टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। तो 60 लाख के ऊपर 0.5% 0.5% आंसर आता है 30,000, तो टोटल जीएसटी पेएबल ओवर हियर विल बी 60,000। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड फॉर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन योर पेपर पैटर्न। सो कॉम्पोजिशन स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली बेस इसका एक ही है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रहा तो 75 लाख्स, और अगर अदर स्टेट्स रहे तो 1.5 करोड़। तो जो आपको मैंने अभी लिमिट बताई है 1 अप्रैल 2019 से अपडेट हुई है वही लिमिट है, तो आप पेपर में भी यही लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। सो लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड ऑडियोज भी आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सारे फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम, और आपको उसमें से ज्वाइन कर लेना है। लिंक दो चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो आज का वीडियो है इसका मैं पीडीएफ वहां पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प आई एम डूइंग ऑल दिस। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप सारे अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अगर कुछ आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर, थैंक यू।